नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवाटा नगर निगम टोल टैक्स के पास अवैध शराब लदे एक ट्रक को किया जब्त। लाखों रुपए का शराब था ट्रक में लोड, चालक को किया गिरफ्तार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आपसी पार्टी ने सिरसिया सदर ब्लॉक में किया हल्ला बोल कार्यक्रम। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर की नारेबाजी। वीडियो को 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। सीसीएल क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सीसीएल के साथ मिलकर चलाया बुलडोजर अभियान। अवैध रेंट हाउस को किया ध्वस्त, कहा ऐसे लोगों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। एसपी के निर्देश पर हुई यह कार्रवाई। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से और मां के नाम एक पौधा लगाने का जगह जगह चलाया कार्यक्रम। अधिक से अधिक पौधा लगाने का दिया गया संदेश, लोगों के बीच पौधा का भी किया गया वितरण। और गिरिडीह विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं का 7 जुलाई को होने वाले अभिनंदन साहब विजय संकल्प समारोह की तैयारी को लेकर भाजपाइयों की हुई जगह जगह बैठक। लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रचार प्रसार को लेकर किया जाएगा सम्मानित। विधानसभा चुनाव को लेकर भी दी गई कई टिप्स। गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस वाहन को कहां ले जाया जा रहा था और इसमें सम्मिलित लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पपरवाटा नगर निगम टोल टैक्स के पास अवैध शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया है। शुक्रवार को बरमस्या उत्पाद डिपो से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि धान के भूसी में छुपा कर लाखों रुपए का इंपीरियम ब्लू ब्रांड के शराब को रखा गया था, जिसमें 12 चक्का ट्रक से कहीं ले जाया जा रहा था। इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ट्रक को कब्जे में लेकर उत्पाद विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर शराब कहां जा रहा था और किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा था। इस संबंध में उत्पाद अवर निरीक्षक कुमार महेंद्र देवगम ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि डुमरी तरफ से अवैध शराब लदा एक ट्रक गिरिडीह की ओर आ रहा है। सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटांड रोड में टीम ने एक संदिग्ध वाहन को रोक कर तलाशी ली। ट्रक में करीब लगभग लाखों रुपए का शराब जब्त किया। बताया गया कि अवैध शराब के धंधे में सम्मिलित लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। छापेमारी दल में उत्पाद अवर निरीक्षक कुमार महेंद्र देवगम, उत्पाद निरीक्षक मनीष कुमार, हवलदार राम बच्चन प्रसाद, अजय कुमार सिंह, भगवान राय, सुरेंद्र यादव, श्याम किशोर प्रसाद समेत सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। बाहर से आ रही थी, चंडीगढ़ का माल है और ये माल जा रहा था दुमका जा रहा था, जो पपरवा टाण के चेक पोस्ट के पास में इसको हम लोग रोका गया। संदेह के आधार पर रोका गया। ड्राइवर खराब से दोनों भागने लगा, लेकिन भागने के क्रम में पकड़ा गया तो पकड़ने के क्रम में पूछ बताया गया तो बोला कि नहीं इसमें शराब है, लेकिन शक के आधार पर इसको हम अपना हाजत ले गए। वहाँ खोल खाल के देखे तो इम्पीरियल ब्लू और मैकडेवल का बोतल था, जिसमें भूसी के अंदर छिपा कर रखा हुआ था, जिसमें 619 पेटी था और टोटल ये 5479 लीटर अवैध विदेशी शराब था, है ना। जो भी माल सही है, ये चंडीगढ़ से माल ये जा रहा था और माल ये बिल्कुल सही है, चंडीगढ़ सरकार का माल है और यह कम रेट होने के कारण यहाँ जा रहा था। जमदार पंचायत में अवैध पत्थर खदान पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर गांव के भदगढ़वा निवासी सचिन यादव ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। जैसे बताया गया कि लीज अवधि समाप्ति होने के बाद भी खनन में कार्य किया जा रहा है और अवैध तरीके से पत्थर का उठाव किया जा रहा है।
जिसे लेकर उन्होंने वरीय अधिकारियों से जांच पड़ताल कर अवैध तरीके से हो रहे पत्थर खदान पर रोक लगाने की मांग की है। गांव प्रखंड के भतगडवा निवासी सचिन यादव ने जमडाल पंचायत में अवैध पत्थर खदान पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को चिंता जाहिर की। इस संबंध में इन्होंने विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। बताया गया कि राजकुमार ओझा मेंबर्स काथियानी द्वारा राजकुमार यादव के संरक्षण में जमडार पंचायत के अमझर घनी आबादी वाले गांव में कई अवैध पत्थर खदान चल रहा है। सचिन यादव ने बताया कि लीज खत्म हो जाने के बाद भी खनन लगातार जारी है। इसके अलावा लीज क्षेत्र के बाहर भी खनन कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि तारापुर में भी लीज अवधि समाप्ति के बाद भी खनन कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि 200 फीट पहाड़ को काटकर अवैध तरीके से पत्थर का उठाव किया जा रहा है। वहीं ब्लास्टिंग करने के कारण स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्थानीय घरों का नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही बताया कि अवैध रूप से पत्थर का निकासी पूर्व विधायक राजकुमार यादव के संरक्षण में किया जा रहा है। कहा कि इस संबंध में विधायक पूर्व विधायक डीसी, जिला खनन पदाधिकारी और रांची के खान सचिव को भी पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी को इस संबंध में जब आवेदन दिया तो उन्होंने भी खान सचिव को पत्र लिखा। पत्र लिखने में 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। गिरिडीह में जब भी डीएमओ से मिलने जाते हैं तो नहीं रहने का बहाना बता दिया जाता है। कॉल करने पर सचिन यादव नाम सुनते ही फोन काट दिया जाता है। वहीं राजकुमार यादव जो पूर्व विधायक है, उनका सीधा कहना है कि गठबंधन की सरकार है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने वरीय अधिकारियों से जांच पड़ताल कर अवैध तरीके से चल रहे पत्थर खदान पर रोक लगाने की मांग की है। पहली शिवा निवासी राजेश डोम की 39 वर्षीय पत्नी सविता देवी अपने बेटे रॉकी कुमार के साथ राशन लेने के लिए हुट्टी बाजार गई हुई थी। इसके बाद वह अपने बेटे को घर चले जाने बोलकर खुद कुछ काम कर घर लौटती हूँ कहकर गई, जिसके बाद से वह घर वापस नहीं आई। इसके बाद परिजन खोजबीन करना शुरू किए, पता नहीं चलने पर थाना में आवेदन देकर पुलिस से खोजबीन की मांग की है। शहर के मोहली चुवा निवासी राजेश डोम की 39 वर्षीय पत्नी सविता देवी गुरुवार शाम से लापता है। शुक्रवार को परिजनों ने नगर थाना में आवेदन दिया। बताया गया कि महिला अपने बेटे रॉकी कुमार के साथ राशन लेने के लिए हुट्टी बाजार गई हुई थी। राशन लेने के बाद वह अपने बेटे को बोली, तुम राशन लेकर घर चले जाओ, हम कुछ काम कर घर लौटते हैं। जिसके बाद उसका बेटा घर आ गया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी महिला घर नहीं पहुंची, जिसके बाद इसके परिजन परेशान होकर खोजबीन शुरू किए। अपने सभी रिश्तेदारों के घर में भी पता किए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजन नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई। आपका राजेश डोम, कहाँ का रहने वाले हैं आप लोग? मोहली चुवा, एसपी कोठी। कौन सा थाना पड़ता है? टोन थाना। टोन थाना। कौन कैसे लापता हो? लापता हुआ है, निकला है 8 बजे रात के। कब? कल। कल का बात है। और कोई सामान वामान लिया है? और सामान लेकर के अपना लड़का के, लड़का भी साथ था, इसका सामान दे दिया लड़कवा के, और इसका लड़का का भी दिया घुरा। क्या नाम था उनका? सविता देवी। कौन आपकी कौन लगती हो? पत्नी है। पत्नी है। आप लोग थाना को सूचित किए हैं इसके बारे में? सूचित कर दिए हैं आज की। कहाँ गई थी वो? कुछ काम उनसे ले गई थी क्या? काम उनसे नहीं गए थे, तो नहीं क्योंकि साथ है तो नहीं। तो अभी तक वो आप लोग घर में अगल बगल पूछे हैं किसी से कि कहाँ गई है कि नहीं गई है? सब कुछ सब जगह गई है, अपना रिश्तेदारी में गई है, सब जगह फोन किए, सब जगह यही बात बोला है कि नहीं आया। नहीं आई है? सब जगह छानबीन कर ली, कहीं नहीं मिली। ऑफिस में बिरनी प्रखंड के भरखट्टा के 150 कार्डधारी पहुंचकर जिला आपूर्ति विभाग में डीएसओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि दुकान स्थानांतरित हो गया है जो कि गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है और आने जाने में काफी दिक्कत होती है।
डीसी ऑफिस ने शुक्रवार को बिरनी प्रखंड के भरकट्टा के 150 कार्डधारी पहुंचकर जिला आपूर्ति विभाग में डीएसओ को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इनके राशन कार्ड को इनके गांव में स्थानांतरित करने की मांग की। बताया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता भूपति महतो की मृत्यु हो जाने के कारण इन लोगों का कार्ड जन वितरण विक्रेता तिलकधारी महतो की दुकान में स्थानांतरित हो गया है, जो कि गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे कार्डधारियों को राशन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने गिरिडीह डीएसओ से अनुरोध किया कि इनके ही गांव में जन वितरण प्रणाली विक्रेता मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, जिसकी दूरी मात्र 500 मीटर है। इन्हीं के पास इन सब का कार्ड स्थानांतरण किया जाए, जिससे इन लोगों को राशन लेने में सुविधा हो। इधर बिरनी के भाजपा प्रभारी नारायण पंडित ने भी इनका कार्ड जल्द से जल्द स्थानांतरण करने की मांग की है। बिरनी प्रखंड के आदि पंचायत के नगलो कुरवा टाण के जो कार्डधारी है, वहाँ आज सैकड़ों कार्डधारी आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इन लोग मिलने आए थे। इन लोगों की समस्या ये थी कि इन लोगों का जो राशन जो था वह अपने पंचायत के डीलर के पास नहीं, बल्कि दूसरे पंचायत के डीलर के यहाँ, जिसकी दूरी लगभग 7 से 6 से 7 किलोमीटर पड़ जाता था। इन लोगों का मांग है कि हमारे पंचायत में जब डीलर है, फिर हम दूसरे पंचायत में राशन लेने क्यों जाएं? इसी निमित्त वहाँ की जो महिलाएं अपने काम काज को छोड़ करके और गांव की महिलाएं आज जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंची है, और इन लोगों ने आपूर्ति पदाधिकारी से मांग किया है कि हमको जो है यहाँ रंगा स्वयं सहायता समूह नगलू खेसरो के नाम से जो है कुरवा टाण, यहाँ हम लोगों को राशन मिले। डीएसओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि अगले माह से इन राशन कार्डधारियों को जिस डीलर के यहाँ ये लोग राशन लेना चाहते हैं, वही राशन दिया जाए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, ओची प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनो प्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 06532356150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियाँ, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर ₹5000 का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मंगरोड़ी हरिजन टोला में भाजपा नेता सुरेश साव भाजपा कार्यकर्ता के नेतृत्व में जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान पार्टी के निर्देशानुसार इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। वही ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भाजपा नेता सुरेश साव ने शुक्रवार को मंगरोड़ी हरिजन टोला में भाजपा कार्यकर्ता नेमचंद तूरी के नेतृत्व में जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। श्री साव ने कहा कि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू विकास के दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। इस गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। वर्षों से यहां के सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस दौरान पार्टी के निर्देशानुसार इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि धरती माँ ही हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम धरती माँ का ख्याल रखें। मौके पर नेमचंद तूरी, प्रेम तूरी, डोमन तूरी, सुनील तूरी, अनिल तूरी, राजेश तूरी, विनोद ठाकुर, नुन्नूलाल तूरी, छोटी तूरी, गोपाल तूरी, सूरज तूरी, संदीप तूरी, सुभाष तूरी, आशीष तूरी, नागेश्वर दास, शैलाब घोष, राजेश जसवाल सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। विधानसभा के मंगरोड़ी पंचायत के नीचे टोला में, हरिजन टोला में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे नीचे टोला, हरिजन टोला के, दलित टोला के जो लोग हैं, यहाँ प्रेम तुरी हैं, नेमचंद तुरी हैं, और सभी माँ बहन नरेंद्र मोदी जी पर आस्था जताते हुए, बाबूलाल मरांडी जी पर आस्था पूरी आस्था है। और इन लोगों ने आज निश्चित रूप से ये शपथ लिया है कि जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो यहाँ की विधायक है सुदीप कुमार सोनू, इसको आने वाले चुनाव में जब तक हम लोग यहाँ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इस क्षेत्र का कल्याण नहीं होगा। इन लोगों का कहना है कि यहाँ से मात्र 2-2.5 किलोमीटर पे विधायक का घर है, उसके बाद आज मूलभूत सुविधा से ये गांव अभी वंचित है। यहाँ ना सड़क है, ना बढ़िया से पीने का पानी, ना सामुदायिक भवन है, इन लोगों को कोई रोजगार नहीं है। इस क्षेत्र में इतना फैक्ट्रियां हैं, उसके बाद भी लोकल लोग को काम नहीं है। इसलिए लोगों में काफ़ी इस सरकार के प्रति, यहाँ के विधायक के प्रति काफ़ी नाराजगी है। इसलिए इन लोगों ने कहा है, आश्वस्त किया है, संकल्प किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से साथ देंगे, हम विकास की ओर जाएंगे, नरेंद्र मोदी की तरफ जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकालकर जोरदार नारेबाजी
पर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ को 11 सूत्री मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया। आंदोलन को लेकर गिरिडीह में भी पार्टी कार्यकर्ता रैली निकाल कर जोरदार नारेबाजी करते हुए गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अगुवाइयों ने वीडियो गणेश रजक को 11 सूत्री मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी नेताओं ने जमीन संबंधित दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय में जमा आवेदनों को अविलंब निष्पादन, पंजी 2 में दर्ज 0 प्लॉट की समस्या का जल्द से जल्द उचित एवं आवश्यक कार्रवाई, अब आवास चयन में पारदर्शिता, मनरेगा अंतर्गत संचालित सिंचाई कूप एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन एवं भुगतान, छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए जाति आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में शीघ्रता, किसानों की खाद एवं बीज की आपूर्ति समय पर करने, प्रखंड में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रखंड अंचल कार्यालय में पदस्थापित समस्त कर्मियों की उपस्थिति सरकारी नियमानुसार सुनिश्चित करने, सरकारी योजनाओं में प्रखंड आंदोलनकारियों एवं उनके परिवार के आश्रितों को प्राथमिकता दिए जाने, सभी पेंशनधारियों का भुगतान नियमित एवं निर्बाध रूप से करने, राशन कार्ड धारियों को राशन समय पर आपूर्ति की व्यवस्था, खराब पड़े सभी चापकलों की जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की है। मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, कार्यकारी अध्यक्ष संजय साव, कंपू यादव, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुमन लाल शर्मा, उदय विश्वकर्मा, अमित यादव, बाबू बंगाली, संजीत तरवे, प्रियंका शर्मा, शाहिद आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या मतलब था वो बता दीजिए, और क्या मांग को लेकर आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए? देखिए, राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हल्ला बोल का कार्यक्रम पूरे राज्य भर में आजसू पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आज उसी के तहत गिरिडीह ब्लॉक में हम लोगों को हल्ला बोल का कार्यक्रम था और पार्टी का ये मांग है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जमीन का रसीद हो या पंजी 2 ऑनलाइन चढ़ाना, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह पैसा का लेन देन, मतलब बिना पैसा का कोई काम इस सरकार में नहीं हो रहा। मनरेगा में वैसे ही गड़बड़ी पाया जा रहा है, राज्य में बिजली व्यवस्था वैसे ही चरमराया हुआ है, घोर गर्मी है और उसके बाद हम लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद वर्तमान में अबुआ आवास में चारों तरफ गड़बड़ी पाया जा रहा है। ऐसे अंतर ब्लॉक में जितना तरह का योजना चल रहा है सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और अधिकारी एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई भी काम लेकर कोई गरीब जा रहा है तो बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी का ये हल्ला बोल का आंदोलन था और उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कमेटी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में सरकार और जो भ्रष्ट पदाधिकारी पूरे झारखंड में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसके खिलाफ आज हम लोग गिरिडीह अंचल में ज्ञापन आजसू पार्टी की तरफ से देने आए हैं ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, चाहे वो अबुआ आवास का मामला हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो। ऐसे कई मामले हैं जिन पर एकदम खुलेआम प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पैसे की मांग की जा रही है। अगर इस पर भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं सुधरते हैं, चाहे कोई विभाग हो, मैं सरकार से मांग करता हूँ, चाहे वो बिजली का विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अंचल कार्यालय हो और हमारे ज़िले में जितने विभाग हो, उद्योग विभाग हो, माइनिंग विभाग हो, आप देख लें, अगर इनका ऑडिट करा दिया जाए कहीं ना कहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इसलिए आजसू पार्टी के तरफ से हम लोग अब आंदोलनरत रहेंगे और लगभग हर माह में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि भ्रष्ट पदाधिकारी को भी सोचना पड़े गलत कदम उठाने के लिए। ये कार्यक्रम हर जगह पर चल रहा है, अभी हम लोग देख सकते हैं पूरे प्रदेश की हाल जो चल रहा है हमारा, हर प्रखंड में, किसी भी प्रखंड में आप जाकर के देख सकते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि कोई भी महिला को अपना काम कराने के लिए 4 से 5 दिन लग जाता है, 1 दिन में कभी काम नहीं होता है।
कोई भी सरकारी योजना पाने के लिए बहुत दिक्कत होती है उन लोग को और आसानी से नहीं मिल पाती है। अभी जैसे की बात करें अबू आवास, जेन्युइन लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको जरूरत नहीं है और जिनको जरूरत है एकदम अति आवश्यक है उनको नहीं मिल रही है, तो इसमें घोटाला हो रहा है। राशन कार्ड की बात करें तो अभी राशन कार्ड से बहुत जनों का नाम हट गया है, अब उस राशन कार्ड में नाम वापस डलवाने के लिए भी इन लोग को एडी चोटी लगाना पड़ रहा है। बहुत सारे घुसखोर हैं जो इतना पैसा चाहिए, 4,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, तो फिर राशन कार्ड में नाम चढ़ेगा। और म्यूटेशन में भी बहुत सारा दिक्कत आ रही है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, हम लोग 28% टैक्स पे करते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग को बच्चों का इलाज कराने के लिए, बुजुर्गों का इलाज कराने के लिए हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हम लोग सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि ना डॉक्टर रहते हैं ना सिर्फ नर्स रहते हैं, तो नर्स से इलाज नहीं ना होगा, अच्छी सुविधा चाहिए। धन्यवाद। ऑफिसर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित 28वें स्थापना समारोह के दौरान राजद के प्रदेश प्रवक्ता रवि जायसवाल ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजद इस बार सभी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसके लिए सभी प्रत्याशी तैयारी शुरू कर दिए हैं। झारखंड की राजनीति में अगर सत्ता चाहिए तो राजद को नकारा नहीं जा सकता है। उक्त बातें राजद के प्रदेश प्रवक्ता रवि जायसवाल ने ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित 28वां स्थापना समारोह के दौरान कही। श्री जायसवाल ने कहा कि झारखंड में राजद का मजबूत जन आधार है, इसी के बदौलत आज झारखंड में सरकार चल रही है और विपक्षी गठबंधन को धूल चटाने का काम कर रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन के सरकार के बाद जितने भी उपचुनाव लड़े गए सभी चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह ही देखना पड़ा। युवा राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने कहा कि राजद इस बार सभी 81 विधानसभा चुनाव लड़ेगी, इसके लिए सभी प्रत्याशी तैयारी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार में राजद के कार्यकर्ताओं का अपेक्षा किया जाता है जिससे कार्यकर्ता काफी आक्रोश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों का आवाज है। जिले में राजद की गठबंधन मजबूत है और इसी संगठन के बदौलत राजद जिले में गिरिडीह विधानसभा, जमुआ विधानसभा एवं गांडे विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मौके पर रामकिशन यादव, मंटू यादव, छोटेलाल यादव, शत्रुघ्न यादव, रघुनंदन यादव, अतुल कुमार राय, सुमित कुमार हाजरा, एहसान आलम, रामजी यादव, प्रभु रविदास, टैटू यादव सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के पास इस बार पार्टी मजबूती के लिए क्या रणनीति है? हमारा पार्टी हर विधानसभा में मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता हर विधानसभा में है। रही बात की यहाँ अभी चल रहा था कि कुछ लोग हैं, देखिए मनभेद, मतभेद और मनभेद प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी के बीच में चलते रहता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के इसका समाधान कर देंगे। दूसरी बातें आ रही थी कि यहाँ पे कहीं पे पोस्टर और बैनर फाड़ दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि असामाजिक तत्व हर जाति और हर धर्म में होता है, वो कोई भी हो सकता है। तो जो भी असामाजिक तत्व के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, जिला प्रशासन को हम लोग अवगत कराएंगे और उनके ऊपर विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। अगर कथित लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे पार्टी के भी कुछ लोग हैं, तो अगर हमारे पार्टी के भी लोग होंगे तो संविधान के तहत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उनके ऊपर किया जाए। सीसीएल क्षेत्र के मांझीडी समेत विभिन्न स्थानों में शुक्रवार को अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सीसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों अवैध रेट हॉल्स को ध्वस्त किया गया। बता दें कि गिरिडीह पुलिस लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। पुलिस इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की भी पहचान कर रही है। इस कड़ी में इस अभियान को गति दी गई। बताया गया कि जल्द अवैध खनन कार्य में लगे लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभियान में सदर SDPO विनोद कुमार रवानी, मुफसिल प्रभारी इंस्पेक्टर श्याम कुमार महतो के साथ CCL गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक बसाब चौधरी भी मौजूद रहे। ये लगातार सूचना मिल रही थी कि CCL क्षेत्र में जो है अवैध रेट हॉल बना के, जिसको खंता बोलते हैं,
वहाँ गैरकानूनी रूप से जमीन के अंदर से कोयला निकालने की सूचना आ रही थी। इसी बाबत आज सीसीएल के जीएम साहब और हमारे थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर और तमाम जो है सुरक्षा कर्मी जो हैं आके इस चीज़ों को हम लोग नेस्तनाबूद कर रहे हैं और ये लगातार होते रही है और होते रहेंगे। जहाँ भी इस तरह का चीज़ें मिलेगा हम लोग उसको ध्वस्त करेंगे और उस पर FIR की भी कार्रवाई करेंगे। लोगों को सर चिन्हित किया गया है क्या कि जो इस तरीके से कारोबार में संलिप्त हैं, जो बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, उन पर भी प्राथमिकी आज दर्ज की जाएगी क्या आज? हाँ बिल्कुल दर्ज की जाएगी और पूर्व में भी दर्ज की जाती रही है और ये निकल कर फिर वैसे ही कार्य करते हैं। इस बार हम लोग देखेंगे कि इस कार्य को कैसे वो बंद करेंगे और उन पे जो है हम लोग और भी अन्य सख्त सख्त धाराएं लगाएंगे ताकि भविष्य में वो उसको कार्य करने से कोताही बरतेंगे और यदि कोई भी इस तरह का आदमी करते जाएंगे उनको तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें काफ़ी सख्त है और जीरो टॉलरेंस इस पर काम कर रही है गिरिडीह पुलिस प्रशासन और जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई दिखेगी या अवैध रूप से कार्य करेंगे कोयला का हो या अवैध लॉटरी हो या गोवंश का तस्करी है उस पर लगातार हम लोग जो है कड़ा प्रहार करेंगे और उससे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी स्त्री रोग हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दाने का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7003864561995515205। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मन चाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा सूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सिया रामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिजा फैशन चंदूरी रोड के सामने मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000
पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला अध्यक्ष अश्वनी अम्बेडकर ने झंडा मैदान में किन्नर समाज की महिलाओं के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि विगत 8 जून को धनबाद जिले से आए करीब 8 से 12 की संख्या में किन्नर गिरिडीह में पहुंचकर किन्नर महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद थाना में आवेदन दिया गया और पुलिस के सहयोग से सामान भी वापस मिले और पुलिस प्रशासन ने कहा कि अब गिरिडीह में कोई भी दूसरे जगह से किन्नर नहीं आ पाएंगे। गिरिडीह किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष अश्विनी अम्बेडकर ने शुक्रवार को झंडा मैदान में किन्नर समाज की महिलाओं के साथ एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से मुफसिल थाना प्रभारी और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त की। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए अश्विनी अम्बेडकर ने कहा कि 8 जून को हम गिरिडीह से बाहर थे, तभी धनबाद जिला के करीब 10 से 12 की संख्या में किन्नर गिरिडीह पहुंचकर हमारे किन्नर महिलाओं के साथ मारपीट और छिनतई घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि मारपीट के साथ साथ कुछ पैसे और हम लोगों ग्रुप की किन्नर के शरीर में पहने जेवर को छीन लिया और मारपीट का धमकी दिया। इसके बाद जब मुझे सूचना मिली तो मुफसिल थाना में लिखित आवेदन दिया गया। पुलिस द्वारा सुरक्षित सामानों को लौटाया गया, जिसके लिए हम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। अश्विनी अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग बधाइयां गाने का काम करते हैं, लेकिन इधर कुछ महीनों से दूसरे जगह के किन्नर पहुंचकर हम लोगों को परेशान करती है और लोगों को भी गुमराह कर देती है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि अब गिरिडीह में कोई भी दूसरे जगह के किन्नर नहीं आ पाएंगे। हम सभी किन्नर समाज के लोग भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं। 8 जून को मैं गिरिडीह से बाहर थी और हमारे चेले नाती के साथ में मारपीट किया गया और उनका अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मोबाइल उनका छीन लिया गया था, जो कि इस घटना को अंजाम देने वाली किडनैपर सुनैना सिंह है, जो धनबाद की है। और उसके साथ में परी उर्फ प्रकाश, जो सिवान का रहने वाला है, एक नूरी है, अभिनव नाम है उसका ओरिजिनल, वो आजमगढ़ का रहने वाला है। ये दो तीन चार लोग थे और उसके साथ 15-20 और किन्नर थे जो कलकत्ता से थे, कुछ बांग्लादेश से भी थे। तो ये सब आकर हमारे गिरिडीह शहर में आकर हमारे चेले नाते के साथ परेशानी किया गया और हमारे नाम को लेकर हमारे जजमान के घर में जाके बधाई ले रहे थे। हमारे जजमान के घर में भी मारपीट किया है लोग और इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। और इस घटना के बाद में मुफस्सिल थाना में उसके खिलाफ़ FIR भी दर्ज हुआ। जिला प्रशासन, हमारे मुफस्सिल थाना प्रभारी हमारे साथ हैं और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं उम्मीद करूँगी उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और हमारे गिरिडीह के नगरवासियों को कोई तरह का क्षतिग्रस्त ना किया जाए, हमारे किन्नर समाज को भी कोई क्षतिग्रस्त ना किया जाए, क्योंकि हम किन्नर भी आप ही के अंश हैं और आप ही के घर की आंगन की तुलसी हैं। जम्मू के चित्तरडी निवासी रामेश्वर यादव ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शुक्रवार को इसका इलाज सदर अस्पताल के ICU में चल रहा है। बताया गया कि समय रहते इसके घर वाले इसे सदर अस्पताल लेकर आ गए, जहां इसका इलाज ICU में चल रहा है। बताया गया कि तीरथ महतो का पुत्र रामेश्वर यादव की पत्नी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुरुवार रात इसने गुस्से में आकर जहर खा लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की। रात को ही इसके घर वालों को पता चल गया, जिसके बाद इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पर ओल्डीहा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्राकृतिक संतुलन बनाने पर जागरूक किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पर कोल्डीहा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक सह
अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने एक पेड़ लगाकर किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि इस बार की गर्मी से लोगों को सीख लेना चाहिए कि ऐसी भीषण गर्मी से निजात पाने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्राकृतिक संतुलन बनाने में अपना अहम रोल सभी को अदा करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जिस प्रकार हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार पेड़ का भी ध्यान रखना है जो कि माँ के नाम पर लगाना है, अर्थात सभी को एक पेड़ लगाकर उसे बड़ा होने तक उसका देखभाल करना है। मौके पर प्रोफेसर कौशल राज, डॉक्टर ओम प्रकाश राय, डॉक्टर समा प्रवीण, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर पोरस कुमार, प्रोफेसर सोमा सूत्रधार, प्रोफेसर ब्रिजमोहन कुमार, राजेश प्रियस, मिंकल, पूजा, उदय आदि का सराहनीय योगदान रहा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जाँच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। गिरिडीह की ओर से विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें शिक्षक, शिक्षिकाओं और प्रशिक्षण ने बढ़ चढ़कर विद्यालय परिसर में फलदार और छायादार पौधे लगाए और लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने को लेकर यह कार्यक्रम किया गया। स्कॉलर BEd कॉलेज गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को बनहत्ते स्थित विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने को लेकर इस कार्यक्रम को किया गया। शिक्षक, शिक्षिकाओं और प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़कर विद्यालय परिसर में आम, जामुन, अमरूद,
चीकू, कटहल, नींबू, आंवला और कई तरह के छायादार पौधे लगाएं। इसके बाद लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गिरिडीह शहर में प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलाया गया। इस क्रम में कई तरह के पौधे का वितरण लोगों के बीच किया गया। प्रशिक्षुओं ने अपने हाथों में वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ और अन्य तरह के तख्तियां लेकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल शालिनी खोवाला ने कहा कि इस बार का जो प्रचंड गर्मी हुआ, इससे लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। लगातार कट रहे पेड़ पौधे के कारण पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पा रहा है और जितना अधिक पौधा लगाना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है। अगर हम सभी जागरूक होंगे और प्रकृति के संतुलन को फिर से बनाएंगे तो भविष्य निश्चित एवं सुखमय व्यतीत होगा। अच्छा। कार्यक्रम समन्वयक, सह सहायक, व्याख्याता आशीष राज, राजेंद्र प्रसाद, प्रशिक्षु में लीली केसरी, दयानंद उमाशंकर, सुशीला, शिखा, अंजू, सोम, सहज, सुंदरी, प्रीति, पवन देजी आदि प्रशिक्षु मौजूद थे। आज हम लोग हमारे स्कॉलरबीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं के द्वारा हमने वृक्षारोपण और वृक्ष वितरण, पौधा वितरण का कार्यक्रम रखा। वृक्षारोपण तो हमेशा सब लोग कर ही रहे हैं, बहुत लोग जागरूक हुए भी हैं, लेकिन हमारे महाविद्यालय के तरफ से ये पहल पौधा वितरण का इसलिए किया गया ताकि एक तरीका का ये संदेश है कि हम सब पर्यावरण की रक्षा करें। हम देख रहे हैं कि प्रकृति बहुत असंतुलित हो गई है, हम खुद में असुरक्षित फील कर रहे हैं। इस बार की ही अगर हम लोग गर्मी की बात करें तो 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर तक हम लोग सहन कर रहे थे, जो कि इस समय हम लोग अपने आप को लग रहा था कि बचा नहीं पाएंगे। तो आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, इस चीज़ को सोचते हुए हम अपने देश के युवाओं को जागरूक करने के लिए अपने महाविद्यालय से हमने ये कदम उठाया कि हम लोग पौधा वितरण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि सब कोई पौधे की रक्षा करे, प्लांट लगाए, प्रकृति को संतुलित करे, ताकि आने वाले दिनों में आज के जैसी गर्मी का सामना हमें ना करना पड़े। आज हम आर्टिफिशियल व्यवस्था करके एसी वगैरह में रह करके अपने आप को सुखी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य हमारा अंधकार में है। इसी को बचाने के लिए एक संदेश है कि हम सब गिरिडीहवासी, हम सब झारखंडवासी या देशवासी, हम सब पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जीवन बचाएं। निश्चित रूप से सांसें कम हो रही है अगर हम पेड़ ना लगाएं तो आज हमारा ये प्रयास इसीलिए रहा और हम सफल भी हुए। बहुत काफ़ी मात्रा में प्रशिक्षुओं ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई, 150 से 200 पौधों का वितरण भी किया गया और ये हमेशा हम लोग कायम रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारे बच्चे जागरूक होंगे, कुछ हमारे देशवासी भी जागरूक होंगे। एक युवक सरिया के पेट्रोल पंप में काम करता था, जिसके लिए सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के किनारे पारसनाथ स्टेशन जा रहा था, तभी डुमरी के पिपराडी के समीप किसी ट्रेन की चपेट में आ जाने से इसकी मौत हो गई। डुमरी के पिपराडी के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया जाता है कि मृतक सरिया के एक पेट्रोल पंप में काम करता था, जिसके लिए वह सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे लाइन के किनारे पारसनाथ स्टेशन जा रहा था, तभी किसी ट्रेन की चपेट में आने से इसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। 7 जुलाई को अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह की तैयारियों को लेकर अजीडी में भाजपा पूर्वी मंडल कार्य समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और राज्य सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार को बताते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अजीडी में भाजपा पूर्वी मंडल कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में 7 जुलाई को अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य सरकार को भ्रष्ट बताते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। यहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और गिरिडीह पूर्वी मंडल के प्रभारी चुन्नू कांत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और राष्ट्रवाद की पार्टी है। यह दल अन्य दलों से अलग विशेषता रखने वाली पार्टी है। इन्होंने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि
6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में एक समारोह रखा गया है। इसके अलावा आगामी 7 जुलाई को अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे। वैसे बूथ जिन पर कार्यकर्ताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत दिलाने का काम किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। समिति ने पूर्वी मंडल के सभी 12 पंचायत के लिए पंचायत प्रभारी मनोनीत किया है। इसके अलावा सभी 67 बूथों में समारोह में ले जाने के लिए दायित्व दिया है। इस अवसर पर कोडरमा लोकसभा के सांसद प्रभारी दिनेश यादव ने कहा कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनानी है ताकि सरकार का विकास हो सके। बैठक में कार्यक्रम के सह प्रभारी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह ने कहा कि अब वर्तमान सरकार उल्टी गिनती शुरू हो रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें राज्य से उखाड़कर फेंकना है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष दीपक पंडित, पूर्वी मंडल के पलक संजीव सिंह पप्पू, पूर्व अध्यक्ष मनीलाल साहू, गिरिडीह प्रखंड के उप प्रमुख सौरभ तिवारी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह, गौतम तिवारी, धनंजय सिंह, दिलीप पाटी समेत काफी लोग उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।